thank you दरअसल सरकार नाराज थी कि मुझे कई बार ये प्रेशर था कि फोर पी में ऐसी खबरें ना दिखाया जाए लीडिंग अखबार है इवनिंग न्यूज़ पेपर और ऐसा यूट्यूब पे खबरें ना दो जो सरकार के खिलाफ जाती है जब सरकार बनी थी उसके तीन महीने के अंदर मेरे दफ्तर पे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे हमला हुआ उसके बाद मुझे सरकार के एक बहुत बड़े अफसर ने बुलाया और कहा कि देखो कोई बड़ा मीडिया हाउस इस तरह खबर नहीं दिखाता जो तुम फ्रंट पेज पर छापते हो और ये तुम्हारा चूँकि अखबार वायरल बहुत होता है इवनिंग अखबार है हम तुम्हें साल का जितना खर्चा होता है विज्ञापन का सारा पैकेज देंगे ये सब मत दिखाया करो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी और मैं अपने पिछले सरकार जो थी मैं उसकी भी कटिंग्स दे गया था कि देखिए पिछली सरकार में भी हम फ्रंट पेज ऐसे ही छापते थे और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं ना किसी के पक्ष में ना किसी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन जर्नलिज्म यही होता है कि गवर्नमेंट के कुछ भी अगर गलत नीतियाँ हो रही हैं तो उसको छापें हम लेकिन वो माने नहीं मेरी बात को बोले देखिए कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि कोई बड़ा ख्वा नहीं छाप रहा मैं इस बात को नहीं माना तो मुझे उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि आर्थिक अपराध अनुसंधान के एक फर्जी नाम से ना नाम था गलत उसके पिता का नाम गलत पता गलत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि गलत नाम पति पे कोई जांच नहीं की जा सकती लेकिन मेरे खिलाफ़ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप की गई छः इंस्पेक्टर अट्ठारह जिलों में जा जाके मेरी जांच करते रहे मेरे पूरे परिवार के पास उनके रिश्तेदारों के पास जा जाकर परेशान करते रहे इनकम टैक्स के कागज मांगते रहे मुझे डेढ़ साल तक मुझे परेशान करते रहे मेरे ऑफिस पे दो बार हमला किया गया एस जो बनी हुई है उसने मेरे दोस्तों को बुलाया धमकाया कि हमें संजय शर्मा के ख़िलाफ़ कुछ दो हमें करना है ये सारी बात सिर्फ इस बात की प्रेशर की हो रही थी कि तुम फ्रंट पेज पर कोई खबर ऐसी मत डालो जो सोशली वायरल हो इसके बाद जब ये न, मैं नहीं माना तो मेरे को एक सरकारी मकान मिला हुआ था जो आम तौर पर लखनऊ के सैकड़ों पत्रकारों को मिला गया है एक दिन मैंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का इंटरव्यू छापा और जिस दिन वायरल किया गया उसी रात को मुझसे कहा गया कि सुबह मकान खाली करना होगा आपको सौ पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली करा लिया गया मेरे अखबार के सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए और ये सारी बातें सिर्फ इसलिए थी कि मैं खबरें ना छापूँ यूट्यूब चैनल लॉन्च किया यूट्यूब मेरा चैनल बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा हर वीडियो जो था उसका लाख डेढ़ लाख अचानक व्यू बढ़ गए थे और जो मैं डिबेट करता था शाम को सबसे ज़्यादा परेशानी सरकार को उससे थी क्योंकि डिबेट में देश के जाने माने पत्रकार मेरे साथ बैठते थे नेशनल चैनल्स की डिबेट को पाँच हज़ार व्यू मिलते थे और मेरी डिबेट को एक लाख व्यू मिलते थे तो मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ़ कुछ जान से मारने की धमकियाँ दी जाती थी गवर्नमेंट के जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष जो राजमंत्री का दर्जा होता है उसने ओपनली फेसबुक पे मेरी हत्या करने की बात मुझे मारने की बात लिखी मैं तमाम बात झेलता रहा और काम करता रहा लेकिन अचानक मेरा एक दिन रात को आधी रात को मेरा जी हैक किया गया और फिर मेरा यूट्यूब बंद कर दिया गया जिसके सवा तीन लाख सब्सक्राइबर थे और कोई मैं सुबह उठा मेरे फ़ोन ही फ़ोन थे क्योंकि 122 सौ बाईस देशों में देखा जा रहा था चैनल इंडियंस जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ देखा जा रहा था तमाम मेरे पास मेल फोन आने लगे क्या हुआ मैं परेशान था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं यूट्यूब को मेल कर रहा था जवाब नहीं आ रहा था मैंने एफ आई आर लिखाई और फिर मेरा लॉयर है मोहम्मद हैदर बहुत अच्छे लॉयर हैं उन्होंने बहुत एक अच्छा नोटिस तैयार किया कि चुनाव के बीच में डेमोक्रेसी की हत्याएं एक आवाज को बंद करना और अगर आपने ये नहीं शुरू किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आप इस तरह डेमोक्रेटिक इस तरह डेमोक्रेसी की आप हत्या नहीं कर सकते हम लोगों ने एफ़ आई आर कराई लीगल नोटिस दिए और लगातार नोटिस दिए गूगल को दिए यूट्यूब को दिए पूरे देश में विरोध हुआ तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने अलग अलग राज्यों के लोगों ने जो यूट्यूब का काम करते हैं मेरी स्टोरी करी मेरा लाइव किया और जब पूरे देश में एक प्रेशर शुरू हो गया विदेशों से मैसेज आने लगे तो सरकार ने समझ लिया या जोर भी हैकर्स से उन्होंने समझा कि अब ये पासा उल्टा पड़ गया और मेरा यूट्यूब बहत्तर घंटे बाद बहाल किया गया तब मुझे पता चला कि एक आईटी के लोग थे पोलिटिकल पार्टी आजकल आईटी के बेरोजगारों को रखती है दो दो रुपए ट्वीट के लिए देती है उन सब लोगों ने सामूहिक रूप से हमला किया एक मेरा पहले मेल जी मेल हैक करके यूट्यूब पर कुछ वलगर वीडियो डाले और सामूहिक रूप से है हमला किया कि ये गलत है यूट्यूब और मेरा बंद कराया गया तो जो यूट्यूब चलाते हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो सरकार के ख़िलाफ़ या सच दिखाने की बात करते हैं ऐसे हमले कभी भी उनके ऊपर भी हो सकते हैं